नमस्कार दोस्तों, शाकानव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। मुंबई में 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बारे में मुंबई पुलिस ने बताया कि मालवनी इलाके में 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आगे बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले बांद्रा में 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि 12 मई की शाम को चारों कपड़े खरीदने के लिए शिवाजी मार्केट गए थे। मुंबई में कोरोना के मामले के चलते लॉकडाउन है, जिसकी वजह से कई दुकानें बंद है। शिवाजी मार्केट बंद होने के कारण चोरों ने बांद्रा के बैंडस्टैंड जाने का निर्णय लिया। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की मन्नत बंगले के सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई। चारों ही मन्नत बंगले के सामने बैंडस्टैंड पर गए, जहां पर पीड़िता को अकेले होने का फायदा उठाकर तीनों ने उसका गैंगरेप किया। इस घटने के बाद पीड़िता ने तुरंत ही मामले की जानकारी बांद्रा पुलिस को दी। वहीं मुंबई पुलिस ने 28 वर्षीय मॉडल की शिकायत पर एक जाने माने फोटोग्राफर और बॉलीवुड से जुड़े कुछ व्यक्तियों समेत 9 लोगों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि मॉडल ने 2012 से 2019 के बीच विभिन्न मौकों पर इन लोगों से यौन हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि FIR में नामजद आरोपियों में बॉलीवुड निर्माता का बेटा, एक टैलेंट मैनेजर और एक निर्माता शामिल है। मॉडल ने 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें दावा किया गया था कि कैसे काम के दौरान उनका शारीरिक उत्पीड़न किया गया था। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी पत्र लिखकर फोटोग्राफर के खिलाफ यौन उत्पीड़न और यौन हमले का मामला दर्ज करने की मांग की थी। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।